नमस्कार। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अर्थात केस स्टडी मेथड की, जिसका प्रयोग वर्तमान में कई समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जा रहा है। इस शोध पद्धति का मूल रूप से संबंध मनोविज्ञान से है, जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों के मन में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए इसका अध्ययन करते रहे हैं। परंतु वर्तमान में इस शोध पद्धति का उपयोग केवल मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है, अपितु समाजशास्त्र तथा अन्य कई सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत भी किया जा रहा है। हम बात करेंगे सबसे पहले वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अर्थ के बारे में, ये क्या होती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अनुसंधान की एक वह विशिष्ट पद्धति है जिसमें अनुसंधानकर्ता अर्थात समाज वैज्ञानिक किसी सामाजिक इकाई जैसे व्यक्ति, परिस्थिति, समुदाय, समूह, संस्था आदि का अध्ययन सभी प्राप्त स्रोतों के आधार पर इतनी गहनता से करता है कि विषय का आंतरिक ज्ञान उसके लिए संभव हो जाता है। उसका उद्देश्य इस पद्धति को अपनाने के पीछे यही है कि वह विषय का आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और इस दिशा में यह पद्धति निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। सरल शब्दों में हम बात करें तो इसका यह तात्पर्य है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई के जीवन का अध्ययन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक आदि सभी दृष्टियों से संपन्न किया जाता है, और सारे दृष्टिकोणों से जब अध्ययन किया जाता है तो हम यह सोच सकते हैं कि निश्चित रूप से इस पद्धति के द्वारा अनुसंधानकर्ता चुनी हुई सामाजिक इकाई या अध्ययन की जाने वाली सामाजिक इकाई का संपूर्ण और समग्र अध्ययन करने में सफल हो जाता है। सामाजिक विज्ञानों के अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं के गहन अध्ययन अध्ययन के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रारंभ हुआ था। जैसा जानते हैं कि समाज स्वयं में एक जटिल व्यवस्था है, सामाजिक संबंध जटिलता के लिए जाने जाते हैं, और जितने भी समाज विज्ञान हैं उनकी जो घटनाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जटिलता पाई जाती है। तो चाहे वो समाजशास्त्री हो या मनोवैज्ञानिक हो या अन्य कोई समाज वैज्ञानिक हो, प्रत्येक समाज वैज्ञानिक घटना का गहन अध्ययन करना चाहता है। इसी गहन अध्ययन के लिए इस पद्धति का प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग लीपले और हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। दो नाम इसमें महत्वपूर्ण है। लीपले ने केस स्टडी मेथड का प्रयोग किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने केस स्टडी मेथड का प्रयोग किया, और वर्तमान में तो नए नए कितने समाजशास्त्री हैं, कितने समाज वैज्ञानिक हैं जो इस पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं और इसकी सार्थकता, इसकी उपयोगिता, इसके महत्व को स्वीकार करते हैं।
वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का आधार वैयक्तिक होता है, इकाई का समग्र तथा विविध दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। समग्र अध्ययन, गहन अध्ययन, सभी कुछ इस पद्धति के द्वारा संभव है। जहां तक श्रोताओं की बात है, तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का जब प्रयोग किया जाता है, केस स्टडी मेथड का जब प्रयोग किया जाता है, तो अनुसंधानकर्ता कई स्रोतों से, अनेकों सोर्सेज से घटना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करता है, और ये जानकारियां उसके अंदर घटना के बारे में समझदारी विकसित करती हैं और घटना को समग्र और गहन रूप से समझने में उसकी मदद करती हैं। व्यापक दृष्टि से अगर हम बात करें, व्यापक तौर पर जितने भी स्रोत वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आते हैं, उनको दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राथमिक सामग्री जो संकलित होती है, जो लिखित नहीं होती, और जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने विवेक से, अपने प्रयासों से सामाजिक इकाई जिसका कि वो अध्ययन कर रहा है उसका साक्षात्कार करके, उससे अंतःक्रिया विकसित करके, उससे मिलकर के प्राप्त करता है। क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति व्यक्त करना पसंद नहीं करता। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो केवल व्यक्ति स्वयं ही जानता है अपने बारे में, दूसरे लोग उसके बारे में नहीं जानते। और जब गहन अध्ययन की बात आती है, अध्ययन की गहनता के बारे में बात आती है, तो निश्चित रूप से ये भी अनुसंधानकर्ता का, समाज वैज्ञानिक का, समाजशास्त्री का एक नैतिक दायित्व है कि वह अध्ययन की जाने वाली सामाजिक इकाई के उन पहलुओं को भी जाने, उनके व्यक्तित्व के पहलुओं को, उनके व्यवहार के पहलुओं को, जो केवल संबंधित इकाई को ही पता है और जिसके बारे में कहीं भी लिखित रूप में कोई भी प्रमाण जिसका उपलब्ध नहीं है। वैसे भी सिगमंड फ्रायड का मानना है कि मानव व्यक्तित्व ग्लेशियर के समान है, इट इज लाइक अ ग्लेशियर। जिस प्रकार समुद्र में दिखाई देने वाले हिमखंड का दो बटे तीन भाग पानी के अंदर रहता है, छिपा रहता है, और लगभग एक तिहाई भाग उस हिमखंड का ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक वही बात मानव व्यक्तित्व पर लागू होती है। इसका तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम ये सोचकर चल रहे हैं कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो ये सोचना हमारी गलती है। क्योंकि जो हमको दिखाई पड़ रहा है, या ये कहना चाहिए कि व्यक्ति अपनी क्रियाओं, अपने व्यवहार के माध्यम से जितना प्रदर्शित कर रहा है, वो उसके व्यक्तित्व का समग्र भाग नहीं है, संपूर्ण भाग नहीं है, वो आंशिक है, लगभग एक तिहाई भाग है। व्यक्तित्व का लगभग दो तिहाई भाग केवल उस व्यक्ति को ही पता है। अगर एक व्यक्ति चोरी करता है, तो वो अपनी इस कमी के बारे में, इस कमजोरी के बारे में सबके सामने नहीं बताएगा, सबको नहीं बताएगा, ये केवल उसको पता है कि वो चोर है या कोई और अपराधी है। तो जिस प्रकार ग्लेशियर का केवल एक तिहाई भाग ऊपर दिखाई पड़ता है, दो तिहाई भाग छिपा रहता है,
उसी प्रकार से मानव व्यक्तित्व का भी दो तिहाई भाग छिपा रहता है, लोगों के सामने नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति उस छिपे हुए दो तिहाई भाग को संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समझने में मददगार होती है। इसके दूसरे स्रोत हैं लिखित स्रोत, जैसे डायरी, आत्मकथा, मैन्युस्क्रिप्ट, पत्र, मेल, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट, ये सब चीजें भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति कभी डायरी लिखकर, कभी आत्मकथा लिखकर, कभी पत्रों के माध्यम से, कभी मेल के माध्यम से, कभी दोस्तों के साथ चैट करते समय इसमें करता है। तो जो लिखित सामग्री है जो इन स्रोतों में उपलब्ध है वो भी सामाजिक इकाई या इकाइयों के बारे में जानने में, सूचना देने में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। लेकिन एक खास बात ध्यान रखनी है, अगर हम इस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं तो वो ये कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अर्थात केस स्टडी मेथड में व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति से तात्पर्य यहां पर अध्ययन की जाने वाली सामाजिक इकाई के बारे में ऐसे तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए जिससे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में वर्णन किया जा सके। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस महत्वपूर्ण पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं, दोष भी हैं, कमियां भी हैं। रोजर्स, मेयो, कोमारोवस्की, किन्से, डोलार्ड आदि विद्वानों ने इस पद्धति में संबंधित आंकड़ों के संकलन, संपादन विधियों में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं और इस विधि में निरंतर सुधार हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस पद्धति में जो दोष पाए जाते हैं उन दोषों को दूर करने के लिए इन एमिनेंट स्कॉलर्स ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं और इसका जो वर्तमान स्वरूप है निश्चित रूप से वो काफी सार्थक है, उपयोगी है। प्राय देखा जाता है कि अनुसंधानकर्ता वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोषों को ध्यान में रखते हुए इस पद्धति का उपयोग करने में हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, इसके अपेक्षा किसी और पद्धति का प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पद्धति में पाए जाने वाले दोषों को प्रशिक्षित, कुशल और अनुभवी शोधकर्ताओं द्वारा आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन जो भी हो, चाहे कितनी भी कमियां इसमें पाई जाए, ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, महत्वपूर्ण शोध पद्धति है जिसके द्वारा गुणात्मक तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, सामाजिक घटना का विभिन्न दृष्टिकोणों से गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है
और इस प्रकार से निष्कर्ष तय यह कह सकते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक घटना के गहन अध्ययन के लिए, समग्र अध्ययन के लिए एक बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण शोध पद्धति है। थैंक यू।